गोरखपुर दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फरवरी में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जीआईएस से अब तक यूपी को मिले 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की नंबर एक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का परिणाम है। इस निवेश प्रस्तावों को लाने के लिए यूपी की छवि सुधारनी पड़ी, सुरक्षा का बेहतरीन माहौल बनाना पड़ा, नीतियां बनानी पड़ी और कई तरह के रिफॉर्म करने पड़े। आपको बता दें, सीएम योगी रविवार को गोरखपुर के राजेंद्र नगर में रिगालिया रिजॉर्ट एवं बैंक्वेट हॉल का उद्घाटन करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पहले यूपी में निवेश की बात तो दूर, बाहर के लोग गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के नाम पर यहां के लोगों को होटल धर्मशाला में कमरा नहीं देते थे, टैक्सी में नहीं बैठाया जाता था। 6 वर्ष पूर्व चंद लोगों के गलत होने से पूरे प्रदेश की बदनामी थी। आज गोरखपुर और यूपी के लोगों को बाहर न केवल भरपूर सम्मान मिलता है बल्कि सिर आंखों पर बैठाया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस धारणा का परिवर्तन के लिए सरकार को संकल्पबद्ध होकर ईमानदारी से प्रयास करना पड़ा। सीएम योगी ने कहा कि देश में पहले भी कई जगहों पर इन्वेस्टर समिट हो चुके हैं, लेकिन तब 10 से 12 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिलते थे, जबकि यूपी को 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इसके जरिए 1.10 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी। यहां के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा बल्कि बाहर के लोग यहां आकर नौकरी और रोजगार के लिए आएंगे। उन्होंने कहा कि विकास की प्रक्रिया में बने रहते हुए इसे और तेज करने के लिए समय के अनुरूप चलना होगा। यदि हम समयानुकूल अच्छी सुविधा देने में विफल हो गए तो क्षेत्र के विकास में लगकर रोजगार सृजन करने वाला पैसा बाहर चला जाता है। क्षेत्र के विकास में पैसे का प्रवाह बाधित ना हो, इसके लिए ईमानदारी से प्रयास करने वालों का सहयोग करना चाहिए। जब हर व्यक्ति विकास में सहभागी बनकर अपनी भूमिका निभाता है तो उसका लाभ क्षेत्र से लेकर देश तक को मिलता है। इस अवसर पर रिगालिया रिजॉर्ट के संचालक एवं भरोहिया ब्लॉक के प्रमुख प्रतिनिधि संजय सिंह ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। कार्यक्रम में डुमरियागंज सिद्धार्थनगर के सांसद जगदम्बिका पाल, सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला, नगर निगम के उपसभापति धर्मदेव चौहान, भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, कमलेश सिंह, अखिलेश सिंह, अभिषेक तिवारी, सुरेंद्र सिंह, बैजनाथ तिवारी आदि मौजूद रहे। हमें समय के अनुरूप चलना होगा। आज लोग अच्छी सुविधा चाहते हैं। जब हम सुविधा अच्छी देने में विफल होते हैं तो लोग बाहर जाते हैं। बाहर जाने का मतलब जो पैसा इस सिटी में खर्च होना है, जिस पैसे से गोरखपुर के तमाम लोगों को रोजगार सृजन होना है, जिस पैसे से यहाँ के विकास की संभावनाएं आगे बढ़नी है, उस पैसे के फ्लो को बाधित कर देना हो सकता है। और इसीलिए हमारा हमेशा प्रयास होना चाहिए कि विकास कहीं से भी हो, अगर ईमानदारी से कोई विकास के कार्य में रुचि ले रहा है तो हम उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जिस भी भूमिका में हो, हम उसको एक नागरिक के रूप में अपना सपोर्ट करें। संजय सिंह को देखता हूं।